आज मैं आपके सामने राग दरबारी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सबसे पहले राग दरबारी के विषय में इसका परिचय बताऊंगा। वो ऐसे है कि राग दरबारी असावरी थाट से उत्पन्न हुआ है। तो असावरी थाट से राग में लगने वाले स्वर तो इस तरह है कि अवरोही में, यानी कि अवरोह करते समय धेवत का प्रयोग जो वो वर्जित है, यानी कि नहीं किया जाता। तो इसका अरोह अवरोह तो देखेंगे। का वादी स्वर ऋषभ है और संवादी पंच। गायन समय रात्रि का मध्य पहर। तो ये राग कानड़ा अंग का राग है, इनकी राग अंग पद्धति में कानड़ा अंग का प्रयोग में, जैसे राजापुर के दरबार में मियां तांस हैं, उन्होंने इस राग का आविष्कार किया और ये राग बजाकर राजा अकबर को खुश किया। इसलिए दरबार में राग बजाने से इसका नाम दरबारी राग दरबारी पड़ा, अर्थात दरबारी कानड़ा। तो इस राग को तो असावरी से बचाना है, तो इसमें गंधार जो है वो खास ढंग से लगाया जाता है आंदोलित करके। तो प्रस्तुत है राग दरबारी।
हे अनंत स्वरूप, हे परमात्मा, सब पर कृपा दृष्टि कर, सबको सेध बख्श निरोग कर। हे अकाल पुरुष, हे परम पिता परमाशी, मेर कर अपने जीव में पर मेर कर। ओ गुरु।